12th क्लास के विद्यार्थी और आप इस बार 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर हम लोग का जो 2025 में जो एग्जाम होना है जो पेपर होगा वो किस तरह का जो हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो सो फाइनली उसी के टाइप का सेम टू सेम हुबहू क्वेश्चन पेपर जो है लेकर के आ गए हैं। ठीक है, सब कुछ सेम पैटर्न वगैरह, जितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, कितना नंबर से जो है किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो बच्चों ये सारा चीज आपको जो है इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। यहां तक कि इसमें आपको जो है इस अगर पेपर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, यहां हम लोग 100 क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं, इसमें से आपको 40% क्वेश्चन आपके एग्जाम फाइनल एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक देखना चाहिए, इससे काफी आपको जो है अनुभव हो जाएंगे। तो बच्चों कुछ इस प्रकार का आपको जो है क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं क्वेश्चन बुकलेट आपका सेट कोड रहेंगे, इधर आपका जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, इधर उसके बाद टाइम भी आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन जो आपका 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 30 जो आपका यानी लघु उत्तर और 8 जो आपका दीर्घ उत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कुल जो आपका 138 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और इसमें 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो इस प्रकार का हुबहू आपको जो है क्वेश्चन पेपर टाइप का आपको जो देखने को मिलेंगे आपके फाइनल एग्जाम में। तो बच्चों जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी बच्चों हर जगह आप लोग शेयर कर दे, ताकि से आपके दोस्त लोगों को भी जो हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं, देखिए जिसमें आपका जो है एमसीक्यू यानी एमसीक्यू जो है यानी खंड और खंड व में जो आपका यानी क्या होगा विभक्त होगा, जिसमें खंड में आपको जो है 100 एमसीक्यू यानी 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कितना 50 प्रश्न का ही आंसर आपको किसमें बनना बच्चों मार्कशीट पर आपको देना है। ओके क्लियर हो गया, यानी 100 ऑब्जेक्टिव में कितने का आंसर देना आपको बच्चों, तो ये एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा 50 यानी आपको जो है क्या 50 क्वेश्चन का यानी जवाब देना है ओएमआरशीट पर। ठीक है ओके क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों देख रहे हैं है ना, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को जो है लागू किया था। ठीक है, जैसे आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है यानी किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है मंडल आयोग की सिफारिश को जो है लागू किया था। ओके चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग जूम आउट कर लेते हैं, चलिए बताइए। तो देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ क्या है, वीपी सिंह दिया हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी दिया हुआ है, इंदिरा गांधी एंड मोरारजी देसाई। तो देखिए हम लोग जानते हैं कौन हो जाएगा आपका यानी वीपी सिंह हो जाएगा बच्चों, वीपी सिंह यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, तो वीपी सिंह के द्वारा जो बच्चों लागू किया गया था। ओके क्लियर हो गया आपका, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है बच्चों। तो चिपको आंदोलन के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, चिपको आंदोलन से जो है आर के पचौड़ी हो जाएगा है ना, उसके बाद क्या दिया हुआ वंदना शिवा हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर। तो हम लोग जानते हैं चिपको आंदोलन जो है ये जो है मतलब किससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इसी के अगुवाई में यानी इसी के नेतृत्व में जो है बच्चों चिपको आंदोलन चलाया गया था, कहां पे आंध्र प्रदेश में उत्तराखंड में पेड़ जो है अंधाधुंध यानी कटाई किया जा रहा था, वहां के बड़े बड़े ठेकेदार, तो उसको रोकने के लिए वहां के महिला पुरुष बच्चे जो है सब जो है पैरों से चिपक जाता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था बच्चों, चिपको आंदोलन पड़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यानी सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में कितने जो है निर्वाचित सदस्य है। देखिए बिहार विधानसभा में जो है कुल निर्वाचित सदस्य की अगर बात किया जाए बच्चों, तो 243 सीट है, कितना सीट है 243 सीट है, ये चीजें आप लोग को जो है बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है क्लियर हो गया, कितना सीट है 243। ओके चलिए हाँ, आप क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे फोर नंबर क्वेश्चन बच्चों, बिहार के राज्यपाल कौन थे। अगर लोकसभा की अगर पूछा जाएगा तो लोकसभा की कितने 40 सीट है अपना बिहार में है ना, बिहार के राज्यपाल कौन थे बच्चों। तो देखिए अभी तो सत्यपाल मलिक बिल्कुल नहीं है, अभी रामनाथ कोविंद ये भी नहीं है, देवेंद्रनाथ कुंवर नहीं, केसरीनाथ त्रिपाठी, तो बच्चों ये इसमें इनमें से जो है आपका यानी कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ रहता है लेकिन यहाँ आपका दिया हुआ नहीं है। ठीक है बच्चों, ये चीजें आप लोग को जो है पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग से एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ये है कि बिहार के जो है वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए ये एक चीज आप लोग जो है पूछा गया है। ठीक है, ये तो कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्त दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, फाइव नंबर क्वेश्चन, जैसे देख पा रहे हैं बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री यानी कौन थी बच्चों। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट जो है ना चीफ मिनिस्टर जो कौन थे अपना बिहार के, तो याद रखिएगा राबड़ी देवी जो है महिला जो क्या थी यानी मुख्यमंत्री थी। ठीक है, चलिए तो इसका आप लोग आंसर नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितना कितना साल का होता है। देखिए विधान परिषद के जो कार्यकाल का जो समय होता है यानी कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, कितना होता है, और विधानसभा और लोकसभा का कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ओके क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति यानी कौन थी बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन, राबड़ी देवी एंड आगे देखिएगा सोनिया गांधी, प्रतिभा पटेल, इंदिरा गांधी है ना।
तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए बच्चों, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल, यानी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए किसने कहा कि संप्रदायवाद फांसीवाद का एक रूप है, बताइए किसके द्वारा कहा गया था बच्चों, तो इसका आंसर आप लोगों को जो है बिल्कुल पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते किसने कहा था संप्रदायवाद जो है फांसीवाद का एक रूप है बच्चों, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मनमोहन सिंह के नमूने के किस तत्व को जो है विशेष महत्व दिया गया था बच्चों, ये बताइए, आर्थिक क्षेत्र के प्रतिबंध लगे रहना, या आपका निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, या सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि करना, या भारी औद्योगिकरण करना। तो बच्चों ये देखिए मनमोहन सिंह के जो नमूने के किस तत्व को जो है विशेष महत्व दिया गया था बच्चों, तो वो निजी क्षेत्र को जो है ना सबसे ज्यादा जो है बढ़ावा मिला था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जो बच्चों नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे किस प्रधानमंत्री ने जो है अपने विकास प्रतिमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है सूत्रपात किया था बच्चों, तो मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था का जो सूत्रपात करने वाले जो कौन थे यानी प्रधानमंत्री, तो बिल्कुल ये चीज है आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कौन थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, ये बिल्कुल इसका आंसर बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों देख पा रहे हैं, सामाजिक न्याय के साथ जो है विकास हो इसमें कौन सा तत्व जो है शामिल नहीं है, है ना, क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। ओके, तो देखिए अगर बात किया जाए तो बच्चों ये आपका निजी क्षेत्र की प्रगति हो जाएगा, और ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लोकसभा विधानसभा में जो है किन्हीं स्थानों का जो आरक्षण प्राप्त नहीं है बच्चों, तो ये बताइएगा लोकसभा विधानसभाओं में जो है किन्हीं स्थानों का जो आरक्षण प्राप्त नहीं है, अनुसूचित जातियां हो जाएगा, या आगे देखिएगा अनुसूचित जनजातियां हो जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग हो जाएंगे, या आंगलन भारतीय जन हो जाएंगे, तो ये बच्चों ये अन्य पिछड़ा वर्ग हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पाकिस्तान के किस अमरीकी सैनिक ने जो है गुट में शामिल होने पर जो है नेहरू ने जो है तीखी आलोचना की थी। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है आलोचना किया गया था, किस यानी अमरीकी मतलब पाकिस्तान के किस अमरीकी सैनिक गुट में जो है शामिल होने पर जो है उसका तीखी आलोचना किया गया था। तो बच्चों सीटों था, सीटों में जो है पाकिस्तान का जो है शामिल करने पर जो है काफी जो है आलोचना किया गया था, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री जी, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार वो विकास सम्मेलन जो है कब स्थापित हुआ था बच्चों, तो ये चीजें आप लोग को बतानी है। तो हम लोग जानते हैं जो हुआ था यानी 1964 को हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, किस देश ने सबसे पहले समाजवाद यानी राष्ट्रकुल छोड़ा था, तो सबसे पहले छोड़ने वाला थे युगोस्लाविया जो है छोड़ने वाला, राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस देश ने नाटो के अमरीकी नेतृत्व का विरोध किया था बच्चों, किस देश ने जो है नाटो में जो है अमरीकी नेतृत्व का जो विरोध किया था, तो वो कौन थे बच्चों, फ्रांस थे। कौन थे, बिल्कुल इसका आंसर आपका फ्रांस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, शीतयुद्ध के लिए जो है उत्तरदायी कारण नहीं है, देखिए शीतयुद्ध के लिए जो है उत्तरदायी कारण कौन नहीं होगा, इसमें दोनों महाशक्ति में जो है क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक मतभेद हो जाएगा, या द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, या आगे देखिए युद्धकालीन जो है निर्णयों का जो है अतिक्रमण, एंड वर्सा की जो संधि। तो बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी वर्सा की संधि, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जो है पूर्वी गठबंधन के नेतृत्व में जो है किसने किया था बच्चों, देखिए द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व जो बच्चों किसने किया था, ये जो किया गया था स्वेच्छ संघ के द्वारा किया गया था, इन चीजों को आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी, देखिए 1917 में जो है रूस में जो समाजवादी राज्य की स्थापना किया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था, बिल्कुल नहीं, फ्रेडरिक एंजल्स, यानी बिल्कुल, या आपका आंसर होगा लेनिन के द्वारा जो है किया गया था, ये चीजें याद रखिएगा, 1917 में जो है लेनिन के द्वारा जो है समाजवादी राज्य की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए तो ये चीज आप लोग बच्चों नोट करते चलिएगा। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देख पा रहे हैं, श्वेत गुट से सबसे पहले जो है कौन सा देश अलग हुआ था, है ना, श्वेत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था, तो युगोस्लाविया जो सबसे पहले यानी अलग हुआ था, इसका आंसर आपका युगोस्लाविया बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पोलैंड में जो है सोलिडेटरिटी आंदोलन का नेतृत्व जो किसने किया था बच्चों, तो ये जो होगा लेच वालेसा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्र राज्यों के जो है राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी बच्चों, तो ये स्वतंत्र राज्यों के जो है राष्ट्रकुल की स्थापना जो बच्चों एल्तसिन, यानी एल्तसिन के द्वारा किया गया था, इसका आंसर आप लोग का बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ताशकंद समझौता कराने में जो है किस श्वेत नेता ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो हम लोग जानते हैं 1966 में जो है ताशकंद समझौता हुआ, कब हुआ था, 1966 में ताशकंद समझौता कराने में जो किस श्वेत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बच्चों, तो ये कोसी गिन के द्वारा जो है निभाया गया था, और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर। चलिए अमेरिकी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी हमला किया गया था कब किया गया था, यानी अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी हमला हुआ था वो 11 सितंबर यानी 2001 को जो है आतंकवादी हमला किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से जो कौन सी घटना घटी थी बच्चों, तो याद रखिएगा 2001 में जो है 11 सितंबर 2001 को जो है
घटने वाली घटना का नाम क्या था बच्चों, विश्व व्यापार केंद्र पर जो आतंकवादी हमला किया गया था, ये चीजें आपको जो है बिल्कुल याद रखना है। किसके द्वारा हमला किया गया था ये आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो देखिए इसमें जॉर्ज बुश भी नहीं होगा, बोरिस जॉनसन भी होगा, बिल क्लिंटन नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप नहीं होगा। तो ये जो होगा संयुक्त राज्य अमेरिकी के जो है वर्तमान में जो राष्ट्रपति कौन है, हाँ चलिए इसका बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, है ना। चलिए इसका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताना आपको, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, चलिए तो देखिए अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बच्चे बताइए क्या हो जाएगा। चलिए तो यह क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, हाँ तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसका नाम क्या होगा। जो बाइडेन, बिल्कुल जो बाइडेन जो है इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो बाइडेन, ठीक है। तो जो बाइडेन जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, जो बाइडेन, है ना। चलिए तो ये चीज ऑप्शन में आपका नहीं होगा कुछ, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बाइडेन। संयुक्त राज्य अमेरिकी में कुल कितने राज्य है, है ना, 27 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो ये बताइए 50 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कुल कितने राज्य बच्चों, तो 50 राज्य हो जाएगा, ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अमरीकी सेनाएं जो अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे, यानी ये जो कब कहा था 2024 के अंत में, लेकिन ये जो लगभग 2018-19 के आसपास की जो बात जो है निकला था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पहले का है, यानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए जो आपको 2014 दिया हुआ था, ठीक है। तो ये चीज, ये क्वेश्चन जो आपको यानी रिपीट हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी ने जापान के किस शहर पर जो है परमाणु बम यानी गिराया गया था, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1939 से लेकर 1945 में जाकर के ये समाप्त किया गया था, और पहला जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक चला था, एंड सेकंड जो हुआ था 1939 से लेकर 1945। तो इसमें जो परमाणु बम जो गिराया गया था सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पे, तो वो नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है गिराया गया था, ये चीज आप लोग जो है बच्चों बिल्कुल पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि इसको जो आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से जो है किस देश ने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई थी बच्चों, तो हम लोग जानते हैं खुले द्वार की नीति जो है चीन के द्वारा अपनाया गया था, इसका आंसर आप लोग का चीन राइट आंसर देंगे। यूरो क्या है बच्चों, तो यूरो जो होता है क्या होता है, यूरोपीय संघ की सदस्य की मुद्रा है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है, एक देश नहीं है, तो बच्चों इसमें से क्या होगा, इसमें कौन सा देश नहीं है, म्यांमार होगा, भारत, हांगकांग, चीन, तो देखिए इसमें से कौन सा एक देश नहीं है बच्चों, तो इसमें हांगकांग जो है एक देश नहीं है, इसका आंसर हांगकांग हो जाएगा। म्यांमार एक देश है, भारत भी एक देश है, चीन भी एक देश है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए अगर जर्मनी का एकीकरण की अगर बात किया जाए, तो 1990 में जो है जर्मनी का एकीकरण किया गया था। आगे देखिएगा आसियान के 20 शिखर सम्मेलन में जो है अप्रैल 2012 में कहां आयोजित हुआ था बच्चों, तो ये जो हुआ था यानी नॉम पेने में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से तो कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है, तो आसियान का सदस्य जो है कौन सा देश नहीं है, मलेशिया आसियान का सदस्य है, बिल्कुल है, बिल्कुल ये चीज है, ठीक है, इंडोनेशिया भी है, लेकिन भारत जो है बिल्कुल इसका बच्चों नहीं है, ठीक है। तो यानी याद रखिएगा कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं, तो अपना भारत जो इसका सदस्य नहीं है, तो बच्चों इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष जो है चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो हम लोग जानते हैं 1954 को जब पंचशील समझौता हुआ था, जब ये पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, तो इसमें जो पंचशील समझौता यानी पांच जो इसमें पॉइंट रखा गया था कि कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, किसी भी देश के जो अंदरूनी मामले पर हस्तक्षेप जो है कोई भी देश जो है नहीं करेगा, लेकिन इसका उल्लंघन कर दिया था 1962 पर, अपना भारत पर जो चीन ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसमें से सत्य की अगर बात किया जाए, तो सार्क का स्थापना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षेस, इसका स्थापना बच्चों 1985 को हुआ था, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो यहाँ दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है बच्चों, तो सार्क का सदस्य जो बच्चों क्या हो जाएगा, मलेशिया बिल्कुल नहीं, है ना, भारत जो है इसका सार्क का सदस्य, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, इंडोनेशिया भी नहीं होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएंगे, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है फरक्का समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर जो हुआ था बच्चों 1996 को, ये फरक्का समझौता पर क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, हाँ किसके किसके बीच हुआ था, ये बांग्लादेश और भारत के बीच ये जो है हुआ था, ये चीज आपसे कभी कभी पूछ लेता, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। बांग्लादेश को जो है भारत ने कब मान्यता दिया था, तो 1971 को मान्यता दिया था, ये चीज आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने के लिए जो है किस प्रधानमंत्री ने जो है पहल किया था, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है क्या किया गया था बच्चों, पहल किया गया था इसमें, ठीक है। चलिए किस दक्षिण एशियाई देश में जो है संवैधानिक संकट है बच्चों, तो कौन सा जो है मतलब देश में जो है संवैधानिक संकट है बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग को बताना है, तो इसका आंसर आपका बांग्लादेश जो बच्चों क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, बांग्ला नहीं सॉरी मतलब पाकिस्तान हो जाएगा या नेपाल होगा।
चलिए देखिए, ये पाकिस्तान होगा या नेपाल होगा, ये चीज आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है बच्चों? तो ये जो होगा बिल्कुल उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में आपका जो है बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में जो है बिल्कुल, यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पर संयुक्त राष्ट्र पदभवन की रचना जो है किसने किया था बच्चों? तो ये संयुक्त राष्ट्र पदभवन की रचना जो बच्चों किया गया था किसके द्वारा? एफ रूजवेल्ट के, डी के द्वारा जो किया गया था, और इसका आंसर आपका एफ रूजवेल्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई थी बच्चों? तो याद रखिएगा, ये जो है कौन था, डेग हैमरशोल्ड का जो है क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वीटो के प्रावधान को जो फैसला जो है किस सम्मेलन में किया गया था बच्चों? तो याद होगा इसका आंसर याल्टा बच्चों, राइट आंसर हो जाएंगे याल्टा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने जो है सदस्य बच्चों? तो इसमें 54 सदस्य, बिल्कुल ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, किसकी सिफारिश पर जो है महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है बच्चों? तो ये जो करती है इसको, यानी सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद में कुल जो है 15 सदस्य और 5 जो क्या हो जाएगा बच्चों अस्थायी, और 10 जो है क्या हो जाएगा अस्थायी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। किस गैर सरकारी संगठन का जो है तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है बच्चों? तो ये मान्यता जो है महासचिव के द्वारा दे सकता है, और इसका आंसर आप लोग का महासचिव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पर बच्चों क्या देख पा रहे हैं, 50 नंबर क्वेश्चन, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, उसका मौलिक सदस्य जो है कौन था? तो मौलिक सदस्य जो है अपना भारत जो बना था, इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल बच्चों परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? यानी भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था बच्चों, ये 1945 को बना था, ठीक है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1945। 2003 में जो अमेरिकी ने जो है किस देश पर आक्रमण किया था? तो हम लोग जानते हैं 2003 में जो अमेरिका के द्वारा जो किस देश पर आक्रमण किया गया था, तो वो कौन था? इराक ने जो है इस पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। हाँ चलिए, 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड पर आतंकवादी हमला किया गया था, वो इराक के द्वारा ही किया गया था। चलिए आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बच्चों कहाँ पे अवस्थित है बच्चों? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बच्चों, ये चीज आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, द हैग, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल द हैग राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। देखिए, ब्रिगिज्ड किस देश से संबंधित है बच्चों? तो याद होगा, यानी जर्मनी से संबंधित है, और इसका आंसर जर्मनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा बच्चों? तो हम लोग जानते हैं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जो भारत, यानी सबसे बड़ा देश हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पंचशील निम्नलिखित में से जो है किन दो देशों द्वारा यानी स्वीकार किया गया था बच्चों? तो पंचशील समझौता हम लोग जानते हैं 1954 को हुआ था, और स्वीकार जो किया गया था भारत और चीन के बीच किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और कब हुआ था ये? 1954 को हुआ था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आसियान शैली, यानी आसियान वे क्या थे? ये जो थे यानी आसियान देशों का सहयोगपूर्ण और समन्वय पूर्ण जो है क्या कार्यशैली थी, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों भी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत और चीन ने जो अपने कूटनीतिक संबंध का कब स्थापित किए थे बच्चों? तो ये कूटनीतिक संबंध जो स्थापित किया गया था, तो 1952 को जो है कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए थे, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे गलवान घाटी कहाँ पे अवस्थित है बच्चों? तो गलवान घाटी जो अवस्थित थे बच्चों कहाँ पे थे? लद्दाख में, ठीक है। तो इनको जो आप लोग यानी नोट कर लीजिएगा, गलवान में, ठीक है। चलिए देखिएगा, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कब यानी स्वीकार किया गया? तो बच्चों ये याद रखिएगा, 1991 को जो है यानी स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो इनको नोट करते रहिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, भारत में पहले नगर निगम स्थापित जो कब किया गया था? तो हम लोग जानते हैं भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित किया गया था वो तमिलनाडु या चेन्नई में किया गया था, और ये जो आंसर होगा आपका 1668 में किया गया था बच्चों, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। बिहार में कितने नगर निगम है? तो बच्चों हम लोग जानते हैं अपना बिहार में 12 नगर निगम है, और भी जो अभी बना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पर भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो देखिए, हम समय के लिए जल्दी जल्दी हम आपको जो है एक्सप्लेनेशन जो है नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो है क्या, इसलिए कि समय बहुत हम लोग को जो है कम है, ठीक है। तो बॉम्बे प्लान से, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, इसलिए जो है तेजी से हम कवर कर रहे हैं। निम्न में से जो है किसे जो सबसे पहले जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? हम लोग जानते हैं सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित जो किया गया था बच्चों, तो अपना भारत के फर्स्ट जो है यानी क्या था, ऊपर राष्ट्रपति थे, और जिसका नाम क्या था, सर्वपल्ली राधाकृष्ण बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय संघ का संस्थापक कौन था बच्चों? बिल्कुल पता होगा, जनसंघ का संस्थापक जो थे बच्चों श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 1960 में जो किस राज्य का निर्माण हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 1960 में जो है किसका, यानी महाराष्ट्र और गुजरात का हुआ था, ये चीज आपको जो है बिल्कुल पता होना चाहिए, महाराष्ट्र और गुजरात का जो 1960 में हुआ था, पंजाब का 1966 में। 1956 में राज्यों के गठन का आधार क्या था? तो देखिए, भाषा के आधार पर जो है बच्चों राज्यों का गठन किया गया था, और सबसे पहला जो किया गया था वो कौन सा राज्य था? 1953 में सबसे पहला राज्य था, और जिसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश था बच्चों, क्या था, आंध्र प्रदेश था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। निम्न में से जो है किसने जो है किसी देशी रियासत के जो है निम्न में से जो है किसने देशी रियासतों के लिए जो है ये क्वेश्चन पुराने दिया हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर होगा, लेकिन है ना,
हाँ, किसने दिपूज रियासतों का जो है मतलब ये दिया था, दे दिया था, तो बच्चों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था, है ना। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था, मैंने बताया ना 1966 को प्रधान का पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। ये चीज आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नागा नेशनल काउंसिल का नेता यानी कौन एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसमें निभाने वाले कौन थे, अंगामी जो है जापू थी जो, यानी इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। G77 का सदस्य जो है कौन कौन सा है, तो यानी G77 में कौन सा देश आता है, तो इसमें बच्चों विकासशील देश आता है। कौन सा देश आता है, विकासशील देश इसमें जो बच्चों आता है, और विकासशील देश आपका कहाँ पे दिया हुआ है, तो विकासशील देश ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबको पता है कि महासभा सबसे बड़ा अंग है इसका, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, निम्न से कौन सा जो मौलिक अधिकार नहीं है, तो बच्चों मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। पहले ये जो था, है ना, ये था, लेकिन अभी जो हटा दिया गया बच्चों, है ना। अभी कितना मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 था, लेकिन संपत्ति का अधिकार को जो बच्चों हटा दिया गया है, ये चीज आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था, तो ये भी बताना चाहिए, 1975 को जो है सिक्किम भारत का जो हिस्सा बना था। ओके क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की स्थापना जो बच्चों कब हुआ था, ये 1990 को हुआ था, और ये भी आप लोगों को बताना चाहिए कब लागू किया गया था, 10 दिसंबर को जो है लागू किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें भी आप लोग जो है बिल्कुल आप लोग सॉरी 1993 होगा मानवाधिकार, हाँ मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 होगा शायद, ठीक है, सॉरी शायद बोल रहे हैं, नहीं 1993 ही होगा, ठीक है, मैं माफी चाहेंगे, आपका जो 1990 बता रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण यानी कौन थे बच्चों, तो याद रखिएगा इसमें जो आपका यानी वीपी नरहरि राव के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे बच्चों, वो कौन थे प्रधानमंत्री, तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे उसका नाम जो क्या था बच्चों, इंदिरा गांधी था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पूर्व की ओर देखो जो है नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है अपनाया गया था, शुरू किया गया था बच्चों, इनके बारे में बताइए। पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था बच्चों, तो ये वीपी नरसिम्हा राव के द्वारा यानी किया गया था, इनको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। निम्न से जो कौन सा अनुच्छेद जो है जीवन के अधिकार से संबंधित है बच्चों, तो जीवन के अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है बच्चों वो आप लोग को कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत के संविधान में जो है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो किस देश ने से लिया गया, तो बच्चों ये जो लिया गया था आयरलैंड से लिया गया था, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुख्य मुद्दा क्या था, तो देखिए जल विवाद को लेकर के है ये, जो बिल्कुल आप लोगों को बताओ, जो आपको मैंने बताया आपको जल विवाद को या सीमा विवाद को, तो जल विवाद को लेकर के है, ये चीज आप लोगों को जो है बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को नोट कर लीजिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच, और ये युद्ध को कब हुआ था बच्चों, 1971 को भी हुआ था आप लोगों को पता होगा, उसके बाद जो 1972 को शिमला समझौता हुआ था, ये भी चीज आप लोगों को जो बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 1948 में युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था, तो ये जो है सीमा विवाद को लेकर के मुद्दा था, ठीक है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में जो भारत सीरिया कब यानी शामिल हुआ था बच्चों, तो 1988 में जो है ये शामिल हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपको बताना है न्यूयॉर्क में, या आपका यानी टोक्यो, या आपका यानी शिकागो, या लंदन में, जल्दी बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। देखिए यूनिसेफ क्या है, एक बच्चा का एक जो है क्या है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है, कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। लेकिन यूनिसेफ जो है क्या, किससे संबंधित है बच्चों, तो ये बच्चा से जो है संबंधित है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं 1944 को जब विश्व बैंक की स्थापना किया गया था। ओके क्लियर, चलिए एकदम बिल्कुल भूलना नहीं है, आप सभी को बताना चाहिए, इसका आंसर 1944 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर जो अपना प्रभुत्व कैसे रखता है, ये रखा था यानी दूसरे देशों के सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा, यानी इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वैश्वीकरण के 4 जो है आधारभूत आयामों की जो है पहचान ये किसने की थी बच्चों, तो ये IMF के द्वारा किया गया था, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या भारत IMF का सदस्य है, तो बिल्कुल यानी संस्थापक सदस्य है बच्चों, क्या सदस्य है, कौन सा सदस्य है, संस्थापक सदस्य है, है ना। IMF के कितने सदस्य है बच्चों, तो IMF में जो है कुल जो है 190 सदस्य है, ठीक है। चलिए अब यूरोपीय संघ का मुख्यालय बच्चों कहाँ पे अवस्थित है, तो यूरोपीय संघ के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये ब्रुसेल्स में जो है यूरोपीय संघ की जो है मुख्यालय है, इनको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ओके आगे देखिएगा, राज्यसभा के जो है कितने सदस्यों को जो है राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किया जाता है, तो मनोनीत जो किया जाता है वो कितने को किया जाता है, 10 को किया जाता है, 12 को, 14 को, 15 को, तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए इसमें जो किया जाता है यानी 12 को किया जाता है, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे बच्चों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट जो यानी प्राइम मिनिस्टर भी जो थे यानी अपना भारत के कौन थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। चलिए राज्यसभा में जो सभापति होता है बच्चों कौन होता है, तो सभापति जो है राज्यसभा में, तो उपराष्ट्रपति जो है सभापति होता है, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कौन नियुक्त करता है, या प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है बच्चों, तो याद रखा यानी राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है, इसका आंसर आप लोग का राष्ट्रपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राज्य का संविधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य का संविधानिक अध्यक्ष जो होते हैं वो राज्यपाल ही होते हैं, ठीक है।
तो ये चीज आप लोग जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और राष्ट्रपति का जो है मतलब सॉरी मतलब मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है बच्चों, तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए भारत में किस तरह की जो है दलीय व्यवस्था है अभी मौजूद, वर्तमान में भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था मौजूद है बच्चों, तो ये बिल्कुल बहुत दलीय व्यवस्था मौजूद है। इसका आंसर आप लोग का बहुत दलीय व्यवस्था राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर। चलिए भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना गया आता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है निर्वाचित मंडल के द्वारा जो है चुना जाता है, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व तो होता है बच्चों, तो ये जो होता है लोकसभा के प्रति जो होते हैं, और इसका आंसर आपका लोकसभा के प्रति राइट आंसर हो जाएगा। भारत के समस्त कार्यकारी शक्तियां जो है नीत है वो किन पे है बच्चों, तो संसद में, इसका आंसर आप लोग का बच्चों संसद राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जो है समस्त कार्यकारी शक्तियां नीत जो बच्चों किस पे है संसद में, इनका आंसर आप लोग का बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों जो आपके समक्ष में आ गया, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना जो 1980 में हुई थी ये बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था, इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर। यानी 1980 में जो हुई थी, यानी किस राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी बच्चों, तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 1980 को। ये क्लियर आपका हो गया। मैंने क्या बताया आपको कि हाँ आपका जो ये क्वेश्चन जितने सारे क्वेश्चन लेकर के आए थे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे इसमें नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्तों को भी पता चले कि हाँ जो एग्जाम जो हम लोग का इस बार 2025 में जो देखने को मिलेंगे वो किस तरह के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड साथ में किस तरह के जो उसमें यानी पेपर जो है किस तरह का रहता है, ये सारी चीज की जानकारी बच्चों आपको जो हो जाएंगे अगर आप पूरी तरह से इन तक इसको देख लेते हैं।